Hey dear students, welcome back to our YouTube channel Learners Square। जैसा कि आप सभी को पता है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की BSc सेकेंड ईयर की ओपन बुक एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है और आज ही पेपर अपलोड हुआ है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं BSc सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर को डिस्कस, और इस पेपर का नाम है स्ट्रेट अलजेब्रा। बाकी दोनों पेपर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और उनसे रिलेटेड क्या सॉल्यूशंस थे क्वेश्चंस के, वो भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ऐसे कक्षा में हम स्ट्रेट अलजेब्रा को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी मीडियम में आप लोगों के कमेंट के बाद मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोगों को लगता है इंग्लिश मीडियम में ही चाहिए सॉल्यूशन, तो बिल्कुल आपके लिए सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हो जाएगा। सॉरी, मैं इंग्लिश मीडियम बोल रहा था, हिंदी मीडियम में सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो हिंदी मीडियम में सॉल्यूशन आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं क्या है क्वेश्चंस और क्या है उनके सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये है आपको प्रूफ करना है सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। सेकेंड में आपको प्रूफ करना है नॉर्मल बताने के लिए बताना है लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है। थर्ड में आपको परमुटेशन के नंबर बताने हैं इवन और ऑड के, और देन आपको बताना है कि कॉसी की फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए थ्योरम क्या थी। और फिफ्थ में आपको प्रूफ करना है कि जो इंटीग्रल डोमेन होता है अगर वो फाइनाइट होता है तो एक फ्लूइड होता है। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन अपन करते हैं डिस्कस। देखिए यहाँ पे मैंने बुक से भी कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, सॉल्यूशंस अपलोड किए हैं, और कुछ हैंड रिटन नोट्स के भी हैं। तो हैंड रिटन नोट्स जो है वो लास्ट में मैंने अपलोड इसी में एड अप कर रखा है। तो अगर आपको बुक का लिखना पसंद है तो बुक से कर सकते हैं, नहीं तो हैंड रिटन नोट्स से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो इसका प्रूफ कुछ इस तरीके से है कि हमने मान लिया जी कोई ऐसे जनरेट होने वाला ग्रुप है और ऐसा ऐसा कुछ है, प्रॉपर होगा तब तो होगा ही सही, इम्प्रॉपर होगा तब तो होगा ही सही, साइक्लिक प्रॉपर होगा तो कैसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, आराम से आप लोग लिखते रहिए। तो इस तरीके से आप डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके थ्योरम का प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से। तो इस तरीके से अपनी पहली थ्योरम हो गई कंप्लीट। सेकंड थ्योरम में हमें प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट कोसेट होता है वो राइट कोसेट के इक्वल होता है। अब कब, जब क्या हो, नॉर्मल ग्रुप हो। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे प्रूफ करेंगे इसको। देखिए हमने मान लिया पहले कि नॉर्मल सब ग्रुप है, तब हम लेफ्ट कोसेट को राइट कोसेट के इक्वल बता ही देंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट इसका उल्टा इफ एंड ओनली इफ रहता है, तो हमें लेफ्ट मतलब फॉरवर्ड कंडीशन और फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में प्रूफ करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो देन हम इसको कन्वर्स पार्ट इसका कुछ इस तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो कन्वर्स पार्ट में हमने मान लिया जो लेफ्ट कोसेट है, कन्वर्स पार्ट में हमने बोल दिया जो लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट के इक्वल है। ठीक है, कन्वर्स पार्ट में हमने बोल दिया लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल है। तो लेफ्ट कोसेट अगर राइट कोसेट के इक्वल है तो हमें प्रूफ करना रहेगा नॉर्मल, और नॉर्मल हम इस तरीके से प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट में, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम, जिसमें हमें प्रूफ करना है इवन और ऑड परम्यूटेशन है, फैक्टोरियल एन बाई टू, फैक्टोरियल एन बाई टू होते हैं। वैसे आपसे पूछा इवन परम्यूटेशन ही, कि आपको इवेंट परम्यूटेशन ही बताना है, फैक्टोरियल एन बाई टू होता है, लेकिन अब केवल एक ही आप प्रूफ नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ इस तरीके से प्रूफ कर देंगे हम। अगर आपको ये बुक का लिखा हुआ पसंद आता है तो ये लिख लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में मैंने ऐड कर रखा है हैंड रिटन नोट्स भी, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी ये पूरा कहानी जैसा दिया हुआ है, तो आप लोग इसमें से पैरा चेंज कर लेना, लाइन कब चेंज करना है, कौन सी चीज़ नई लाइन से लिखना है, ये सब देख लेना, एज इट इज़ ही मत लिखना। ठीक है, जैसे कि अब आपको यहाँ पे दे दिया गया है भैया कि ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो इसको आप एक लाइन में लिख दो, फिर ये डी एफ ओ का सिम्बल लगा करके नीचे ये लिख दो, तो थोड़ा इस तरीके से लिखोगे ना तो अच्छा लगेगा, ये कहानी जैसा नहीं लगेगा, है ना। चिड़िया की आवाज़ आ गई, बिल्कुल आपको पसंद आएगा वीडियो। जैसे वीडियो पसंद आ जाए आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, ताकि आराम से वो भी बैठ के लिख लें, उनको भी पेज नहीं पलटना पड़े कॉपी किताब की, है ना। तो कुछ इस तरीके से थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई। फिर थर्ड फोर्थ थ्योरम हम
करते हैं डिस्कस, जिसमें हमें कॉसिस का फाइनाइट अबेगिन ग्रुप के लिए थ्योरम पढ़ना है। तो इसमें आप देखिए कितना कहानी जैसा लिखा हुआ है, देखो तो थोड़ा सा अपने लेवल पे कहानी से मैथ्स के जैसे कर देना है ना, मैथ्स जैसा कर देना इसको। वैसे जो हैंड रिटन नोट है उसमें सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। बुक का इसलिए मैंने अपलोड करा है कि हो सकता है कहीं पे बुक में मिसप्रिंट हो या फिर हैंड रिटन नोट में मिसप्रिंट हो, तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, मेरे को लगता है कि यहाँ पे पहले सबसे पहले तो एक करेक्शन ये है, ये वाला यहाँ पे कुछ करेक्शन है। ठीक है, क्या करेक्शन है? हाँ, यहाँ पे ये करेक्शन है, देखिए ये यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी और पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन, पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ये नॉट डिवाइड होना चाहिए है ना, पी डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एन। और ऐसे ही सेम यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन ऑलरेडी अपन कंसीडर कर चुके हैं, तो यहाँ पे पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन फिर से लिए गए हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये पी नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन है। और फिर इसको बाकी ठीक है, आप लोग आराम से लिख लीजिए। जहाँ भी अगर आप लोगों को भी कहीं लगता है करेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में आइएगा और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल थ्योरम का नाम लिख देना, और क्या करोगे थ्योरम का नाम लिख देना और बता देना कि हाँ क्या कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, तो बिल्कुल आपका कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल आराम से आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, और आपका थ्योरम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भैया सिस्टमेटिक लिखना, कहानी जैसा नहीं दिखे है ना, क्योंकि इस थ्योरम में कहानी जैसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ऐसे ही नेक्स्ट गॉस थ्योरम को अपन डिस्कस करते हैं, तो गॉस थ्योरम आपका कैसा क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। और कहीं पे भी आपको कुछ कन्फ्यूजन आता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट दे मारिएगा, आराम से अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लीजिएगा है ना। फाइंड आउट क्या करोगे, आपका क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा जो भी आपको डाउट हो। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनके लिए भी हिंदी मीडियम में सारे सॉल्यूशन अवेलेबल किए जाएंगे। सेकेंड बुक थर्ड बुक में मीडियम का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, वैसा का वैसा ही छाप सकते हैं। रही बात फर्स्ट बुक की, तो इसका आपको हिंदी मीडियम में जल्द ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप लोग लिखते रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भैया कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा अच्छे अच्छे, और उसके बाद क्या करेंगे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा है ना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ फ़ायदा हमारा भी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशंस और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स क्लास 6 से लेकर 12th तक BSc के, MSc के और इंजीनियरिंग क्लासेस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल्स पे आपको उनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। आप लोग सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर के जो वीडियोज़ हैं वो भी चैनल पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को क्लिक करके रखना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी देखिए ये हैंड रिटन नोट्स है, अगर आप लोगों को बुक का नहीं लिखना है तो आप हैंड रिटन नोट्स से भी लिख सकते हैं है ना, थोड़ा सा ये कहानी जैसा नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल आराम से। ये आपका एक तो क्वेश्चन हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा स्टेटमेंट पूरा कम्प्लीटली नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा स्टेटमेंट पूरा सही है ना। तो बिल्कुल आराम से मैं स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से विजिबल हो सके। ठीक है, ये जो लिखा है काला पीला, ये मत लिखना आप, कॉन्सेप्ट ऑफ दीज ये सब नहीं लिखना आपको, या जहाँ से लाइनिंग स्टार्ट हुई यहाँ से लिखना है। फिर नेक्स्ट ऐसे ये थ्योरम भी ख़त्म हो जाएगी, नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट होती है, नेक्स्ट थ्योरम भी ये थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को कहानी जैसा ना लगे, आप बुक में देखोगे तो कहानी जैसा लगेगा, लेकिन ये थोड़ा आप देखोगे तो ये कहानी जैसा आपको नहीं लगेगा है ना, कि अपन कहानी पढ़ रहे हैं बैठ के ये। ठीक है, तो ये थ्योरम भी आपकी कम्प्लीट हो गई। नेक्स्ट चलते अपन कॉसिस थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये पेज भी आपको लिखना है, ये पेज तो लिखना ही है, इसके साथ साथ इस पेज का भी आपको लिखना है, थोड़ा सा विजिबल
ना हो सके शायद आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आराम से देखेंगे तो दिख जाएगा मे बी, और छोटा कर दूँ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, बुक से मैच कर लीजिएगा, आराम से आपको सब विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये थ्योरम भी ख़त्म हो गया, अभी नहीं ख़त्म हुआ ये, और ये हुआ। ठीक है, ये लिख लिया आपने। जहाँ पे अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बहुत आराम से कमेंट लिख दीजिएगा, और उसका रिप्लाई तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन ये हो गया आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ध्यान रखिएगा, वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।